गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेसन सेकंड, टेंथ क्लास, अम्ल अक्षारों के लवण, एसिड, बेस एंड साल्ट। हमने पिछली वीडियो में पीएच के मान के बारे में पढ़ा था। पीएच किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है? एच प्लस आयन के। यानी एच प्लस आयन जितने ज़्यादा होंगे, एच प्लस आयन जितने ज़्यादा होंगे वो स्ट्रोंग एसिड होगा, प्रबल अम्ल होगा, उसके बाद उसकी पीएच वैल्यू उतनी ही कम हो। पिछली वीडियो में हमने अम्ल अक्षारक जब आपस में अभिक्रिया करते हैं, जैसे NaOH क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कास्टिक सोडा बोलते हैं। ये अक्षार था, बेस था, प्लस HCl क्या पड़ा था? अम्ल। क्या बना था? NaCl प्लस H2O। यानी कि ये अम्ल, ये लवण और ये क्या होता है? जल। तो ये दोनों साइड अभिक्रिया है। इसका कहने का मतलब है जब नमक के अंदर वाटर मिलाएंगे और इलेक्ट्रिसिटी गुजारी जाए तो दोबारा से क्या बन सकता है? यही NaOH और HCl, और HCl के टुकड़े क्या लिख सकते हैं? H2 प्लस Cl2। यहाँ इसको दोबारा लिखेंगे NaCl प्लस H2O, तो NaOH प्लस इसके फैक्टर क्या बनेंगे? H2 प्लस Cl2। इन दोनों के दोबारा देखो, जब हमने उदासीनीकरण अभिक्रिया के दौरान पढ़ा था तो क्या क्या हुआ था? अम्ल और अक्षार की जब आपस में अभिक्रिया करी थी, लवण और जल बना था। अब लवण जैसे क्लोरीन कितने हैं? टू बने हैं ना, इसको भी टू क्लोरीन बनाने का। अब सोडियम कितने हो गए? टू। तो ऑक्सीजन टू और हाइड्रोजन टू ऑलरेडी है इधर, टू ये और टू ये, इसको टू से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से ये क्या बनता है? इलेक्ट्रिसिटी गुजारने से क्या बन जाता है? दोबारा से इसका निर्माण होता है हाइड्रोजन का और क्लोरीन का। तो यहाँ पर जैसे जो अमोनिया है, NaCl का उपयोग खाना बनाने यानी कॉमन साल्ट के रूप में उपयोग करते हैं, और इसका साबुन बनाने में यूज करते हैं, और H2 ईंधन फ्यूल, और क्लोरीन है जो यानी पानी की स्वच्छता के लिए, किसके लिए? पानी की स्वच्छता के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जो HCl बना है, ये वाला HCl यानी कि H2 और Cl2, ये जितने भी सौंदर्य प्रोडक्ट होते हैं उनमें बनाने में HCl, और पेट के अंदर पैदा होता है पेट की अम्लता के रूप में, और जो NaOH है वो धातुओं से ग्रीस हटाने के लिए, जितनी भी धातुओं पे ग्रीस लगा होता है उसको हटाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा का। इसके अलावा साबुन बनाने में इसका यूज होता है। विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनाया जाता है? जब बुझे हुए चूने के ऊपर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर क्लोरीन गैस गुजार दी जाती है तो क्या बनता है? CaCl2 प्लस, जैसे ये क्या है? एक तरह से अक्षार है, और Cl2 यहाँ पर किसका काम करेगा? बेअमल का। तो साथ में क्या बनेगा? जल। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड विरंजक चूर्ण नाम है इसका, ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका नाम होता है। कब बनता है? जब बुझे हुए चूने के ऊपर से क्लोरीन गैस गुजार दी जाती है तो क्या बनता है? इसके यूज पूछ लेता है कई बार, लाभ क्या है इसके? जैसे इसके अंदर जो ब्लीचिंग पाउडर है, पानी को रोगाणु नाशक बनाने के लिए या इन्फेक्शन रहित बनाने के लिए, इसके अलावा वस्त्र उद्योग के अंदर विरंजक के रूप में, और कई रसायन में अपचायक के रूप में, अपचायक यानी कि रिडक्शन के रूप में रिएक्शन करता है ये। इसके अलावा पीने वाले जल को हम बता चुके हैं,
कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड बनता है। इसके बाद आता है बेकिंग सोडा NaHCO3, जिसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या मीठा सोडा। क्या बोलते हैं? मीठा सोडा या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट किस तरह से बनाया जाता है? हम किसको पढ़ रहे हैं? मीठा सोडा को, किस जिसका क्या होता है सूत्र NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट। कैसे बनाएंगे इसको? NaCl नमक के पर से कार्बन डाइऑक्साइड और जल गुजारने पर, प्लस क्या गुजारते हैं यहाँ पर से? अमोनिया गैस गुजारते हैं। क्या गुजारते हैं? अमोनिया। तो यहाँ से हमने क्या बनाना है? ये Na तो यहाँ से उठा लो। क्या उठा लो? NaH यहाँ से उठा लो, दो है ना यहाँ पर HCO3, NaH यहाँ से CO2 एक इसका, तो क्या बन गया? प्लस क्या बच गया? NH3 में एक H यहाँ से जोड़ो, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। दोबारा देखो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को बनाने के लिए नमक NaCl, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, H2O जल और अमोनिया। तो अब हमने क्या बनाना है? मीठा सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो Na यहाँ से उठाएंगे लिख दिया, H यहाँ से उठाएंगे लिख दिया NaH, CO2 पूरा, एक ऑक्सीजन जोड़ेंगे CO3। अब क्या क्या बच गया? NH3 तो ये, और एक H इस वाला, क्या बन गया? NH4 और Cl इसके साथ थे। अब इसके यूज देखेंगे क्या क्या है यूज में है इसके। एक तो ये एंटा एसिड का काम करता है, एंटा एसिड यानी प्रति अमल। जब पेट में अत्यधिक जलन हो जाती है तो इसका हम नींबू के रस के साथ इसको मिला के ले सकते हैं। एक अग्निशामक यंत्र में, फायर ब्रिगेड में, क्योंकि जब इसको गर्म किया जाता है NaHCO3 को, तो क्या बनते हैं? Na2CO3 यानी वाशिंग सोडा और कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस जल। जैसे ही मीठे सोडे को गर्म करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। क्या बनेगी? कार्बन डाइऑक्साइड। और आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड जलती वस्तुओं को बुझा देती है। एक किसी चीज़ को सॉफ्ट बनाने के लिए, जैसे अपने पाव रोटी, केक, इसके अलावा जो छोले होते हैं उनके अंदर थोड़ा सा डालते हैं ताकि वो सॉफ्ट या मुलायम हो जाए। इस प्रकार इसके यूज होते हैं मीठा सोडा के अलग अलग से। Na2CO3 into 10H2 यानी कि इसके साथ 10 मॉलिक्यूल वाटर के मिलते हैं, तो ये क्या बनाता है? धावन सोडा। इसका उपयोग कहाँ कहाँ? कांच उपयोग देखें, कांच, साबुन और कागज उद्योग में किया जाता है। कहाँ कहाँ यूज? साबुन में तो होगा, कागज और कांच। दूसरा बोरेक्स, जैसे यौगिक बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। इसका उपयोग घरों में साफ सफाई के रूप में, होता है। किस में होता है? साफ सफाई के रूप में। इसके अलावा जल की स्थायी कठोरता को, जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए, किसके लिए? जैसे ऐसा जल होता है जो साबुन के साथ आसानी से झाग बना लेता है, वो तो मृदु जल होता है, और जो झाग नहीं बनाता वो कठोर जल होता है। तो इसमें धावन सोडा डालने से जल की स्थायी कठोरता पूरी तरह से दूर हो जाती है। प्लास्टर ऑफ पेरिस देखो क्या है बच्चे, जब जिप्सम को ये क्या है? जिप्सम, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। गर्म किया जाता है कितने टेम्परेचर पे? 373 केल्विन। तो ये कैल्शियम सल्फेट हैमी हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हैमी का मतलब होता है आधा मॉलिक्यूल जल का प्लस 3/2 H2O, यानी टोटल दो मॉलिक्यूल थे, आधा तो यहाँ टूट जाता है और डेढ़ साइड में निकल जाता है। इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों बोलते हैं? सबसे पहले ये फ्रांस की राजधानी पेरिस में खोजा गया था। इसके यूज देखो क्या क्या है, इसके यूज पढ़ेंगे सबसे पहले क्या क्या।
इसके यूज एक तो स्टैचू बनाने के लिए, बुत, किसी का बुत बनाना है, एक डॉक्टर टूटी फूटी फूटी हड्डियों को सही, जैसे बोलते हैं ना प्लास्टर करार के, प्लास्टर करते हैं, इसके बाद ही देखा जाता है। जहाँ पर डॉक्टर फ्रैक्चर होता है वहाँ पर क्या कर देते हैं, प्लास्टर कर देते हैं, और ये पानी में मिलकर बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, कठोर हो जाता है, क्या हो जाता है, कठोर हो जाता है जल के साथ मिलके। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।